फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमअप। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ एमकैफीन का एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं दिखा देती हूँ आज का प्रोडक्ट। आज मेरे हाथों में है एमकैफीन का नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर। देखिए, विंटर सीजन है, विंटर सीजन में मॉइस्चराइजर तो हमें चाहिए। और एक स्किन होते हैं वो है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वालों के हिसाब से क्या हो जाते हैं ना, तो मॉइस्चराइजर तो हमारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइजर हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से स्किन नरिश रहते हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं, साथ ही साथ स्किन में रिंकल्स बहुत ही लेट आते हैं। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हर एक स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और एमकैफीन एक ऐसा ब्रांड है जो ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट है 100% हार्मफुल केमिकल फ्री, जैसे SLS, SLES, सिलिकॉन, पैराबिन फ्री। और एमकैफीन के हर एक प्रोडक्ट है वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री। और इसका मेन इंग्रेडिएंट से नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कैपेचिनो हमारे स्किन को कितने अच्छे से ब्राइट बनाते हैं, साथ ही साथ स्किन के अंदर जितना डार्क ऑयल पॉल्यूशन रहते हैं सारे के सारे को निकल देते हैं। कॉफी का स्क्रब तो हम घर में बना के यूज करती हूँ, कॉफी स्क्रब अभी मार्केट में आ भी गए हैं और हम सभी वो यूज भी करती हूँ, क्योंकि उसका जो बेनिफिट से बहुत ही अच्छा है। अगर कोई छोटा मोटा स्पॉट है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, ब्राइट बनाते हैं, जो हमारी सबकी ख्वाहिश रहते हैं। और ये है नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर बहुत ही लाइट वेट है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपका स्किन टाइप बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो मैं कभी भी इसको सजेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल है, ऑयली सेंसिटिव है, ड्राई सेंसिटिव है, एक्ने पिंपल प्रोन भी है, तो भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। विंटर सीजन में भी आप लोग ये मॉइस्चराइजर को अप्लाई करके रह सकते हो, क्योंकि विंटर सीजन में स्किन सभी का स्किन थोड़ा बहुत ड्राई लगते हैं और उस टाइम में मॉइस्चराइजर एक बहुत ही जरूरी पार्ट हो जाते हैं स्किन केयर का। साल भर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड ये बोलते हैं कि अभी जरूरत नहीं है, लेकिन विंटर सीजन में सभी का जरूरत बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से मैंने बता दिया। और इसका बेनिफिट्स, एमकैफीन का नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर का मेन इंग्रेडिएंट्स है कॉफी, जो हमारे स्किन से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करते हैं, स्किन को स्पॉटलेस, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल बनाते हैं, साथ ही साथ स्किन को ब्राइट बनाते हैं, स्किन को नरिश्ड रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं। स्किन में अगर कोई भी अनइवन स्किन टोन है या फिर स्किन में कोई भी स्पॉट है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे स्किन को नरिश्ड रखते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, स्किन का पीएच को मेंटेन रखते हैं। तो और क्या चाहिए। और कॉफी एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को लॉक करते हैं और इसलिए हमारे स्किन रहते हैं पूरा के पूरा सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल निकलने से भी स्किन ड्राई होने का चांसेस रह जाते हैं। तो इसी सबसे ये मॉइस्चराइजर एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और ये मॉइस्चराइजर बहुत ही लाइट वेट है, यूज करने के बाद ऐसा फील नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं, स्किन ऑयली हो गए हैं, चिपचिपे हो गए हैं, उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करने से ठीक ठाक से अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस हिसाब से भी इसको एक थम्स अप दे सकती हूँ। और ये मॉइस्चराइजर का जो एरोमा है बहुत ही सुंदर है, कॉफी का एरोमा अगर आप लोगों को पसंद है तो ये मॉइस्चराइजर का एरोमा भी आप लोगों को पसंद आएगी। और मॉइस्चराइजर दिन में जरूर दो बार अप्लाई कीजिए, रात में सोने से पहले और सुबह में उठ के फेस वॉश करने के बाद। और इसका बेनिफिट्स भी बता दिया, तो चलिए अभी इसको मैं कैसे यूज करती हूँ वो भी दिखा देती हूँ। चलिए देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लीजिए, मेरी स्किन में क्लींजर यूज किया, यानी कि फेस वॉश से क्लीन किया, टोनर अप्लाई किया और अभी मैं अप्लाई करूंगी एमकैफीन का नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन भी ऑयली है और आप एक अच्छा वाला मॉइस्चराइजर सर्च करते हो जो आपकी स्किन को बनाएगी हेल्दी, ग्लोइंग एंड ब्राइट, प्रॉब्लम फ्री, स्किन से रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी, साथ ही साथ स्किन को इवन बनाएगी, स्किन को ब्राइट बनाएगी, तो ट्राई करके देख सकते हो एमकैफीन का नेकेड एंड रॉ कैपेचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर।
और इसका एरोमा लेके और बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको कॉफी का एरोमा पसंद है तो ये भी आपको पसंद आएगी। देखिए टेक्सचर भी दिखा दिया, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। देखिए टेक्सचर बहुत ही हल्का लाइट वेट है, स्किन में अच्छे से एब्जर्व हो जाते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी का लगते हैं और अप्लाई करने के बाद तुरंत स्किन में ग्लो आ जाते हैं, स्किन नरिश्ड रहते हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं, साथ ही साथ स्किन ऑयल फ्री रहते हैं, जो आजकल सभी को चाहिए। ऑयली चिपचिपा सा लुक आजकल के दिन में किसी को भी पसंद नहीं आते हैं और ये मॉइस्चराइजर एकदम भी व्हाइट शेड नहीं छोड़ते हैं, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखिए मेकअप करने से पहले भी आप लोग एज ए मॉइस्चराइजर ये Mcaffeine का नेकेड एंड रॉ कैपिचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर को ट्राई करके देख सकते हो। देखिए एब्जॉर्ब हो गए हैं, रिजल्ट कुछ इस तरह का ही है। इसको आप लोग एज ए नाइट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो और डे में इसको एज ए मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हो। Mcaffeine का नेकेड एंड रॉ कैपिचिनो कॉफी फेस मॉइस्चराइजर डेली बेसिस पे अप्लाई करने से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, स्किन इवन हो जाते हैं, स्किन हेल्दी ग्लोइंग ब्राइट हो जाते हैं, स्किन से स्पॉट रिमूव हो जाते हैं, स्किन ऑयल फ्री रहते हैं, लेकिन नरिश्ड मॉइस्चराइज पीएच बैलेंस्ड रहते हैं। तो और क्या चाहिए एक मॉइस्चराइजर से, तो यही है मेरी आज की Mcaffeine का नेकेड एंड रॉ कैपिचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर का ऑनेस्ट रिव्यू, साथ ही साथ डेमो। अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियोस रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।